प्रॉब्लम हम में नहीं है यार, प्रॉब्लम सब में है एक्चुअली। जो अभी की लाइफ हम लोग जी रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है। हमें अपनी खुशी से मतलब नहीं है, हमें अपने गम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम पड़ोसी के घर में खुशी क्यों नहीं देख सकते हैं, उसकी खुशियों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हम। प्रॉब्लम यहाँ है दोस्तों। आज मैं मतलब दिल से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी की जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है इंसान की, वाकई अलग है। जब मेरा दौर हुआ करता था तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे वड्डा की जो शॉप है ममता जलेबी, वो बहुत अपनी जमाने की सुप्रसिद्ध दुकान है। एक रुपए की जलेबी हम खाया करते थे। जब हम अपने पिताजी से पैसे मांगा करते थे तो हमारे पिताजी हमें 2 रुपए का नोट देते थे, और अब ना 1 रुपए का नोट है ना 2 रुपए का नोट है, शायद छपने ही बंद हो गए। तो समथिंग मैं आपको 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये समथिंग मैं 4-5 साल का रहा होगा उस समय। तो 1 रुपए की जलेबी काफी आ जाती थी, और वो 1 रुपए की जलेबी हम खाया करते थे और साथ में घर वालों को भी खिलाया करते थे। और आज ये दौर है कि भाई ना 1 रुपया दिखता है, ना 2 रुपया दिखता है, ना 5 रुपया दिखता है, तो सीधा 10 रुपया। मेले फेलों में तो हम 10 रुपये 20 रुपये ले जाते थे, और वो मतलब हमारे 200-250 रुपये का काम करते थे उस दौर में। ठीक है, वक्त के साथ भाई आबादी बढ़ी, सारी चीजें बढ़ी, सरकारें आई गई, अपनी अपनी तकनीकें सबने आजमाई, फिर दौर आया इंटरनेट का, फिर दौर आया ब्लॉगर का। तो इतना लंबा तो मैं वीडियो खींचूंगा नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था द ह्यूमन नेचर, तो वड्डा में भाई पहला यूट्यूबर मैं था उस समय। तो काफी लोग मुझसे पूछते थे कि यार आपको भीड़ में जाने में शर्म नहीं लगती है, आप किस तरीके से ब्लॉग डिस्कस करते हो हर एक के साथ। तो मेरा उत्तर ये रहता था कि भाई शर्म किस बात की है, शर्म किस बात की। समय बहुत बलवान है, और समय के साथ साथ इंसान भी बदलता है, दुनिया मतलब ही है। चीजें यहाँ पर ऐसी रहेंगी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी का पक्ष ना लें, एकदम न्यूट्रल होकर मेरी बातों को संक्षेप में सुने। मैं मानता हूं कि वड्डा में मैं पहला यूट्यूबर था, और अभी भी यूट्यूब में काम कर ही रहा हूं, और मेरे बाद जितने यूट्यूबर आए उनको मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा कि वो सक्सेस हो, सफलता की सीढ़ी चढ़े। देखिए, जुनून हर किसी में होता है, हौसला हर किसी में होता है। जियो ने जब अपना फ्री इंटरनेट लॉन्च किया था ना, कि आप इतने रुपए में हमारी सिम लीजिए, आपको इतना डाटा फ्री मिलेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि भाई भारतीय लोगों में अब एक आदत ही हो गई है, जुनून आ गया है फ्री इंटरनेट यूज करने का। और उसके बाद उन्होंने जो कि शर्तें लागू करके पे लागू कर दिया कि भैया आपने इतने रुपए का रिचार्ज करना है तब आपको इतना डाटा मिलेगा। तो पहले तो क्या हुआ कि अंबानी जी ने हमें आदत डाली फ्री का डेटा खाने की, और जब हमें लत लग गई उस चीज की तो फिर उसी में हमें फिर पे करने पे मजबूर कर दिया। एक्चुअली गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस माइंड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में हर कोई इंसान एक दूसरे के छाती पर पैर रखकर अपना मतलब निकाल कर ही आगे बढ़ता है। हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर अंबानी जी चाहते तो आजीवन हमें फ्री डेटा वो दे सकते थे,
आप गौर करना, पुराने विज्ञापन देखना तो उनमें फ्री डेटा करके विज्ञापन आया करते थे टीवी में। अब वो विज्ञापन ही आउट है, सारी डेटी है वो। और जब हमें आदत हो गई फ्री डेटा यूज करने की, तो फिर भाई गलती उनकी नहीं है ना हमारी है। मनुष्य जीवन ही जो है सीखता रहता है ताउम्र। अगर मैं हूं और मैं ऊपर वाले से अपनी आयु 60 साल 55 साल मांग के लाया हूं, तो मैंने ये नहीं सोचना है कि मैंने इस जिंदगी का सार सीख लिया है। मतलब मैंने ये सोचना है कि मैंने सीखना है डे बाय डे, हर मिनट हर सेकंड हर घंटा अपने आप को कैसे कामयाब बनाना है। गलती ये नहीं है दोस्तों कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है। गलती हम ये करते हैं अपने जीवन में कि हम दूसरे को देखते हैं कि दूसरा ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस दुनिया में सब अपनी तकदीर का, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। और ये भी सच है कि इस दुनिया में सब अपनी तकदीर का, सब अपनी किस्मत का खाते हैं, लेकिन साथ अपने कोई नहीं ले जाते हैं। यानी कि सब यही छोड़ जाते हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। और सबसे बड़ी चीज मेरे को यही गलत लगी इस दुनिया में कि भाई जो चिढ़ है, जो जलन है, वो क्यों यार, किस लिए? कई मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग ऐसी हैं, खुद मैं हूं, मुझे अपने पिताजी के पिताजी का नाम तो याद है, लेकिन अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम याद नहीं है। तो मेरे जैसे कई होंगे, लाखों में नहीं करोड़ों में होंगे। हमारा भारत देश समृद्ध देश है, संप्रभुता वाला देश है, धर्म प्रधान देश है। तो इसे दुख इस बात का है कि हम इंसानों में एक क्वालिटी ये नहीं है कि हम दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो पाते हैं। हम दूसरे की खुशी में बेचैन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार अगले ने गाड़ी ले ली, मेरे पास नहीं है, अगला इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा। स्टीफन हॉकिंस थे, अब तो नहीं है, अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे, वो नासा के संपर्क में भी थे। उन्होंने यही कहा था कि किसी भी इंसान को अगर तोलना है, आंकना है, उसका आकलन करना है, तो उसके जिस्म से नहीं, उसकी बॉडी से नहीं, उसके दिमाग की सोच से उसका आकलन करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे दिमाग के सेल्स होते हैं ना, वो हमें एक से अलग, भिन्न 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 बनाते हैं। उसी हिसाब से इंसान अपनी जिंदगी को जीता है। तो जब हमें ये पता है कि भाई हम अजर अमर नहीं है, तो जब हमें पता है कि हम अजर अमर नहीं है, तो फिर हम दूसरे को देखकर चिढ़, द्वेष, जलन, अहंकार क्यों पाल रखते हैं? किस लिए? इसलिए कि उसकी लाइफस्टाइल हमसे अच्छी है, इसलिए कि वो हमसे अच्छा कमा रहा है, हमसे अच्छा खा रहा है। मानते हैं कि वो आपसे अच्छा कमा रहा है, आपसे अच्छा खा रहा है, लेकिन कब तक? एक दिन वो भी तो चले जाएगा इस दुनिया से, और आप उसको देख के चिढ़ रहे हैं, तो आप कौन सा इस दुनिया में रहने वाले हैं? तो अगर हम अपनी सोच को ओपन रखें, तो 0 से शुरू, 0 पे खत्म। ना जाने हमसे पहले भी कितने आए और हमारे रहते रहते कितने गए, और हम भी एक दिन आए थे, एक दिन जाएंगे, फिर कोई और आएगा, फिर कोई जाएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई जाएगा। तो जब ये आने जाने का सिलसिला ऊपर वाले ने लिख दिया हमारी तकदीर पर, हर एक इंसान की तकदीर पर, तो हम किसको देखकर चिढ़ रहे हैं? तो मेरा ये मानना है, पर्सनली अगर मैं कहूं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई पहला यूट्यूबर तो तू ही था वड्डा के अंदर, तू डेली वीडियो डाला कर यार, हमारा पूरा सपोर्ट है तेरे को, फेस टू फेस में से बात करते हैं। लेकिन मेरा एक ही उत्तर होता है कि भाई
मैं भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी इंसान, और इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर शैतान। बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि जीवन एक बार मिलता है, इसको खुशी से जिए। समय सबसे कीमती होता है, टाइम ही मनी है, समय ही पैसा है। अगर समय का आपने सही उपयोग किया तो अपनी लाइफ को आप चार चांद लगाकर आगे बढ़ा सकते हैं। समय का आपने दुरुपयोग किया तो जो जिंदगी आपको मिली है ना, उसको नरक बना सकते हैं। बाकी समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं तो कमेंट करना कि सेकंड पार्ट में अच्छे से समझाऊं, उसमें बातें बताऊं सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत प्यार से व्लॉग में। बस ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि सब लोग आगे बढ़े, हमें देखकर चिढ़ने वाले भी खुश रहे, और जो हमें देख के खुश हैं वो ऑलरेडी खुश रहे। धन्यवाद।